हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। तो आज की इस क्लास में बीएड के एक नया प्लान जो बीएड के एक नया प्लान पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं एक नए प्लान को साथ में मिलकर पढ़ना। आज जो हम प्लान पढ़ने वाले हैं वो है पाठ प्रारंभन कौशल, यानी कि जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो क्लास के अंदर जाने के बाद जब हमें अपने चैप्टर को, अपने पार्ट को, अध्याय को पढ़ाना है, तो उसे हम कैसे शुरू करते हैं। क्लास में घुसते ही, जो आप एंट्री करते ही, जो क्लास का माहौल होता है वो आपको यहाँ पर देखना है कि वो कैसा माहौल है, क्या वो कैसे अपने पार्ट को आप शुरू कर रहे हैं। इसको बनाने के सबसे पहले क्या करना है, आपको दिनांक यानी डेट लिखनी है, फिर क्लास किस क्लास के लिए बना रहे हैं, फिर आपका विषय यानी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अपना अर्थशास्त्र के लिए बनाया तो मैंने वो लिखा, आप जिस सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आप बनाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर मेरा जो प्रकरण है वो है निर्धनता, आपका जो प्रकरण होगा वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ छात्राध्यापिका का नाम, यानी जो जो बच्चे वहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, उनका नाम यहाँ आ जाएगा। फिर कालांश, कालांश यानी पीरियड, किस पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं, और ये अवधि जो कि 6 मिनट इस प्लान की होती है। अब इस प्लान को कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले जो आपको चार खंड बनाने हैं, इसमें पहला है क्रमांक सीरियल नंबर, दूसरा छात्र अध्यापिका गतिविधि टीचर्स एक्टिविटी, फिर छात्र गतिविधि यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और उपयोग किए गए घटक, आप जिन उपयोग घटकों का उपयोग करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि जब हम क्लास के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए क्या है कि जैसे टीचर क्लास के अंदर एंट्री करता है, क्लास के अंदर घुसता है, तो क्या होता है, सारे बच्चे खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, उसका अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। तो वही यहाँ पर कि जैसे शिक्षिका क्लास में, शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करके छात्रों को सुप्रभात की शुभकामनाएं देती है। टीचर क्लास में घुस उसने बच्चों से गुड मॉर्निंग कहा, बच्चों ने भी उनको गुड मॉर्निंग रिप्लाई किया, बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते, टीचर दोनों ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक दूसरे को, है ना। तो वही कि जब टीचर क्लास के अंदर घुसते हैं तो घुसते उन्होंने बच्चों को सुप्रभात कह के शुभकामनाएं दी, और बच्चों ने भी सुप्रभात कहा, क्या सुप्रभात अध्यापिका जी। इसके बाद क्या है कि प्रिय छात्रों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सड़कों पर लाल बत्ती होते ही क्या होता है। टीचर ने क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब सड़कों पर लाल बत्ती हो जाती है, रेड लाइट होती है, तो क्या होता है। बच्चों ने क्या कहा, लाल बत्ती होते ही सभी गाड़ियां रुक जाती हैं, जैसे ही सड़क पर रेड लाइट होती है सारी की सारी गाड़ियां वहां पे स्टॉप हो जाती हैं रेड लाइट को देखते ही। ये क्या है, पूर्व ज्ञान का उपयोग है, ये पूर्व ज्ञान का, यानी बच्चों को ही पहले से पता है कि जब सड़क पर रेड लाइट हो जाएगी तो गाड़ियों को रुकना होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, अब आप सब ये बताइए कि गाड़ियों के रुकते ही हमें किसका झुंड दिखाई देता है, जैसे रेड लाइट पर गाड़ियां रुक जाती हैं तो हमें किसका झुंड दिखाई पड़ता है। बच्चों ने क्या जवाब दिया, गाड़ियों के रुकते ही हमें छोटे छोटे बच्चों व अनेक महिलाओं का झुंड दिखाई देता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं किसी गाड़ी से व्हीकल से, तो अगर रेड लाइट पर रुकते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है, कुछ महिलाएं जो वहां पर आ जाते हैं ना, मांगने के लिए आते हैं। ये भी क्या पूर्व ज्ञान का उपयोग है, ये जो कि बच्चों को पहले से पता है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अब आप ये बताइए कि ये लोग सड़कों पर क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सड़कों पर क्या कर रहे हैं, जो महिलाएं सड़कों पर क्या कर रहे हैं। तो उसका जवाब क्या दिया बच्चों ने, कि गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से पैसे मांगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे जो गाड़ियां, जैसे ही गाड़ी वहां पे चले जाते हैं, उनको शीशे वगैरह साफ करते हैं, जो उसके अंदर लोग बैठे हैं उनसे पैसे मांगते हैं। तो ये प्रासंगिक कथन प्रश्न है ना, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जो बच्चे होते हैं गाड़ियों के, वो लोग क्या करते हैं सड़कों पर। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ये लोग रुपए पैसे क्यों मांगते हैं, बिल्कुल मांग तो, लेकिन क्यों मांग रहे हैं। अगला प्रश्न था टीचर का बच्चों से कि ये छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां रुकते ही वहां पर आ जाते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, पैसे क्यों मांगते हैं। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया इसका, कि ये लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति व खाने का सामान खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए वो लोग पैसे लोगों से मांगते हैं ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। अब क्या है, सही छात्र प्रतिक्रिया के बाद जैसे ही बच्चे रिप्लाई करते हैं, टीचर एकदम उस आंसर के तुरंत भाव जाते हैं कि बच्चों ने सही आंसर दिया, फिर उस आंसर से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न टीचर आगे कर देती है। अब प्रश्न क्या किया, क्या इन छोटे छोटे बच्चों के माता पिता इन्हें भोजन नहीं देते, क्योंकि बच्चों ने क्या कहा, अपने जीवन का सामान खरीदने के लिए, खाने के लिए पैसे मांगते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे हैं इनके माता पिता, जिनके अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो खाने के लिए भोजन नहीं देते।
तो बच्चों ने क्या कहा, इन्हें भोजन मिलता है किंतु पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। बच्चों को खाना तो मिलता है लेकिन इसे कहते हैं पौष्टिक भोजन, पूरा पेट भर के खाने भोजन उतना नहीं था, कुछ ही मिल जाता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये बच्चे क्या अपने भोजन के लिए पैसे मांगते, अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगते हैं। फिर पर्याप्त भोजन व आवश्यकता पूर्ति के लिए इनके माता पिता भी भिक्षा मांगने का कार्य करते हैं। हाँ, वे लोग भिक्षा मांगते हैं। अक्सर आप देखा होगा छोटे बच्चे उनके जो माता पिता अक्सर वो भी सड़कों पर गाड़ियों को रोक रोक के लोगों से भिक्षा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। यह निरंतरता बनाए रखना, जो हमारे आंसर हमें बच्चों से मिल रहे हैं उनको आंसर से जुड़े दूसरे क्वेश्चन करें, यानी कि जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन इस ओर भाग रहा है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए कोरिलेट हो रखे हैं सारे क्वेश्चन से। अगला देखिए, भिक्षा मांगने के अलावा ये लोग और क्या करते हैं। भिक्षा मांगने के अलावा ये लोग गुब्बारे, छोटे छोटे खिलौने बेचते हैं। बच्चे है ना, जो वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो लोग क्या भीख ही नहीं मांगते, मांगते नहीं, वो लोग छोटे गुब्बारे वगैरह बेचते हैं, छोटे खिलौने वगैरह बेचते हैं। तो टीचर ने क्या किया, गुब्बारे व खिलौने बेचते हुए बच्चे का चार्ट दिखाया। जब बच्चे थे उनको एक ऐसे चार्ट दिखाया जिसमें जो बच्चे जो गुब्बारे बेच रहे हैं, गाड़ियों में खिलौने वगैरह बेच रहे हैं। तो जब टीचर ने चार्ट दिखाया तो बच्चों ने क्या, चार्ट को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। बच्चे क्या उसको देखने लगे, यहाँ पर शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग। टीचर ने जो है अपनी बात को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों को चार्ट दिखाया, जिस चार्ट के अंदर बच्चे जो है गुब्बारे बेच रहे, सड़कों के जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी, उन गाड़ियों के आगे खड़े होकर उन गाड़ियों में जो लोग बैठे हैं उनको गुब्बारे वगैरह बेचते हुए नजर आ रहे, और बच्चों चार्ट को बड़े ही ध्यान से देख रही है। शिक्षण उपकरण का उचित प्रयोग, ये लोग दिन भर गुब्बारे खिलौने बेचने के बाद रात को कहाँ जाते हैं। अब दिन भर तो सड़कों पर गुब्बारे खिलौने बेच रहे कि रात को कहाँ जाते हैं। तो फिर बच्चों ने क्या दिया कि जवाब के, ये लोग सड़क के किनारे तंबू लगाकर वहीं सोते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो है रेड लाइट पर कहीं ना कहीं चौराहे के आसपास लोग छोटे तंबू से लगा वहाँ पे लोग रहते हैं, बकायदा खाना पीना लोग बनाते हैं चूल्हे पर और अपना खाते अपना जीवन वो लोग वैसे ही बिताते हैं। तो सड़क के किनारे सोने का क्या कारण है, अब सड़क के किनारे लोग सोते क्यों सोते हैं। बच्चों ने जवाब दिया, घर का ना होना, इनके पास जो है घर नहीं है अपना, तभी लोग सड़कों किनारे रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत ये लोग करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बना कि घर ना होने का कारण क्या हो सकता है, जब इनके पास घर नहीं तो उसका कारण क्या है, घर क्यों नहीं इनके पास। तो पैसों की कमी का होना, जो कि बच्चों ने जवाब दिया, पैसों की कमी का होना एक कारण है कि इनके पास अधिक पैसा नहीं है कि ये लोग अपना जमीन लेकर अपना घर बना के रह सके। ये देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से जुड़े हुए, क्वेश्चन में जो निरंतरता बनी हुई है। पैसों की कमी को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, जब पैसे नहीं होते तो उसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं। पैसों की कमी को अर्थशास्त्र की भाषा में निर्धनता कहते हैं। पैसों की कमी क्या कहलाती है, निर्धनता कहलाती है। यह प्रासंगिक कथन। अब बच्चों ने बता दी कि अर्थशास्त्र की भाषा में पैसे कमी क्या कहते हैं, निर्धनता कहलाती है। तो फिर टीचर ने क्या कहा कि आज हम निर्धनता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, निर्धनता को समझेंगे कि निर्धनता क्या है। और बच्चे जो है बड़े ही ध्यान से अपने टीचर की बात को सुनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जब क्लास के अंदर एंट्री की, क्लास में घुसे, एंट्री करी, क्लास में घुसे, गुड मॉर्निंग बोला, बच्चों ने बोला, टीचर ने बोला, और फिर अपने टॉपिक तक आने के लिए टीचर ने कैसे बच्चों के सामने प्रश्नों का एक समूह सर्व दिया, छोटे छोटे प्रश्नों का, जिसका ऐसे प्रश्न जो कि बच्चों से जुड़े हुए, जिनको बच्चे जानते हैं, बहुत ही अच्छे और बड़े ही सरल तरीके से शिक्षक जो है, टीचर जो अपने टॉपिक तक यहाँ पर आ जाते हैं, वो भी टीचर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे हर टीचर के हर क्वेश्चन को समझ के उसका जवाब देते हैं, बड़े ध्यान से टीचर को वो लोग सुन रहे, टीचर अपने टॉपिक तक पहुंच जाती है। अब ये है इसकी अवलोकन तालिका। यहाँ पे कैसे शिक्षक जो टीचर है उसका नाम, फिर विषय, कक्षा, समय लिखना है, फिर जो प्रेक्षक यानी कि जो आपको ऑब्जर्व करे, जो टीचर आपको चेक करने आया उस टीचर का नाम, उसका फिर प्रकरण के आपने क्या पढ़ाया है। इसके फिर में घटक लिखने, पहले सीरियल नंबर, घटक ये लिखते हैं हम घटक, और फिर मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जो प्लान है 6 मिनट का, आपको 6 मिनट के अंदर इसको पढ़ाना होता है। तो यह है पिछले ज्ञान का प्रयोग, हमने अपने जो क्वेश्चन दिए, जो हमारे क्वेश्चन थे उनका जो आंसर दिया, बच्चों ने कहीं से देख के नहीं दिया, कहीं से किसी से पूछ के नहीं दिया, उन्होंने खुद से सोचकर जवाब दिया, यानी कि उन्होंने उनके पास जो नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज थी उसके बेस पे उन्होंने हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया। तो हमने शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग हमने कौन से मिनट में किया, हमने जो चार्ट दिखाया वो हमने कौन से मिनट में दिखाया, 6 मिनट में, 5 मिनट में, 4 जिस भी मिनट में हमने अपने शिक्षण उपकरण का उपयोग किया हमें यहाँ पर टिक लगाना है। हमारे क्वेश्चन में निरंतरता बनी हुई है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे सब में। हमारे सारे कथन प्रासंगिक थे और हर क्वेश्चन के बाद हमने क्वेश्चन किया था तो हम यहाँ पर उस हिसाब से हम टिक लगा देंगे।
फिर जो हमने बच्चे जो जवाब दे रहे हैं हमने उनकी प्रतिक्रिया के बाद फिर से एक प्रश्न किया, तो हमने जो बच्चों की प्रतिक्रिया उसके प्रतिक्रिया के बाद हमने जो प्रश्न किया वो सही था कैसा था वो हम और हमने किस मिनट में किया वो हमें यहाँ पर टिक लगाना होता है। फिर उपयोग किए गए घटकों की संख्या, हमने कितने घटक दिखाए, हमने को चार्ट मॉडल दिखा, हमने कितने दिखाए 3, 4, 5 जितने भी हमने दिखाए वहाँ पे हम यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। इस तरह से जो हमारी तालिका ये पूरी हो जाती है। फिर आती है मूल्यांकन तालिका, ये भी बहुत आसान है, वैसे आपको क्रमांक लिखना है यहाँ पर, फिर घटक और फिर ये न्यूनतम, औसत से कम, औसत, औसत से अधिक और अधिकतम, है ना, सारे घटक बिल्कुल से। पिछले ज्ञान का उपयोग, शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग, निरंतरता बनाए रखना, प्रासंगिक कथन और प्रश्न, सही छात्र प्रतिक्रिया के बाद प्रश्न, उपयोग किए गए घटकों की संख्या, आपने घटक बिल्कुल सेम लिखे। अब हमें ये देखना है कि हमने अपनी पिछली तालिका में ये जो पिछले ज्ञान का उपयोग था हमने कितनी बार किया है, एक बार, दो बार, चार बार, कितनी बार बच्चों ने उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए जवाब दिया। अगर उन्होंने चार बार जवाब दिया तो हमें इस तरह से चार पर गोला लगा देना है। अगर उन्होंने आठ बार जवाब दिया है पिछले ज्ञान के सब प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आठ पर गोला लगा देना है। जितनी बार उन्होंने हमें सही जवाब दिया हमने उतनी बार हमें यहाँ पर गोला लगाना है। फिर शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग, हमने जो अपने चार्ट मॉडल दिखाया है कितनी बार दिखाए, है ना, 5 बार 6 बार 10 बार जितनी बार दिखा हम उतने पर यहाँ पर गोला से लगा दें। अगर हम 3 बार दिखा तो हम 3 बार लगा देंगे, 7 बार दिखा तो 7 बार लगा देंगे। हमारे क्वेश्चन जो थे वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो हमारे जो क्वेश्चन हमारे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन कितनी बार जुड़े, 2 बार 4 बार 6 बार, ऐसा तो नहीं कि हमारे जो टॉपिक हम टॉपिक से भटक गए किसी और टॉपिक पर चले गए, तो हमने जो क्वेश्चन थे हमारे वो कितने सही थे हम यहाँ पर इस तरह से उस पर गोला लगा देंगे। फिर वही है प्रासंगिक कथन प्रश्न के, हमने जो बच्चों से क्वेश्चन किया हमारे सारे क्वेश्चन हमारे टॉपिक जुड़े हुए थे कितनी बार थे, तो हमें टोटल यहाँ पर यहाँ पे गोला ऐसे लगा देंगे। फिर बच्चों ने जो जवाब दिया उसके बाद हमने कितने प्रश्न किए, 2, 6, 8, 10 जितने में प्रश्न किए हम यहाँ पर ऐसे करके गोला लगा दें। अगर 5 बच्चों से प्रश्न किए 5 पर 9 कर रहे हैं तो 9 पर जितने हमने प्रश्न किए वो हम यहाँ पर गोला लगा देंगे। फिर उपयोग किए घटकों की संख्या, हमने कितने घटक दिखाए हैं, हमने 2, 4 जितने दिखाए, मान लीजिए अभी 6 घटक दिखाए हैं तो हम 6 पे लगाएंगे, हमने 8 दिखाए तो 8 पे लगाएंगे, 2 दिखाए तो 2 पर लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी पिछली तालिका थी आपने इसको टोटल कर लेना है सारी तालिका को, है ना, और टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर गोला लगा देना है। मान लीजिए पिछले ज्ञान का उपयोग अगर आपने यहाँ पे 3 बार 4 बार किया है तो 4, अगर आपका 4 बार टोटल आता है तो आप यहाँ पर 4 पर गोला लगा दें, जैसे मैंने ये लगा रखा है। फिर निरंतरता बनाए रखना, अगर आपने हर क्वेश्चन की निरंतरता बनी हुई आपकी, मान लीजिए आपका टोटल 6 आ जाता है, 5 आता है, तो फिर आप यहाँ पर 5 पर गोला लगा देंगे, इस तरह से 5 पर गोला लगा देंगे। तो इस तालिका के टोटल का ही आपको यहाँ पर गोला लगाना होता है, इस तरह से आपकी जो तालिका है पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमने पढ़ा पूरा प्लान, पाठ प्रारंभन कौशल, आप अच्छे से और बहुत ही आसानी से सो समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अध्ययन, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए और भी ढेर सारे प्लान को लेकर आएंगे।